पर दफ्तर पहुंचना हर किसी की कोशिश होती है, चाहे इसे बस, ट्रेन, कार या फिर मोटरसाइकिल में ही क्यों न सफर करना पड़े। मगर कोई ये सफर तैर कर तय करे तो हैरानी तो जरूर होगी। मगर अब हैरान न हो, जर्मनी के शहर में एक शख्स ऐसा भी है जो हर रोज तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर दरिया में तैर कर तय करता है और अपने दफ्तर पहुँच जाता है। म्यूनिख शहर से ताल्लुक रखने वाला बेन्यामिन डेविड नामी शख्स ट्रैफिक जैम और गाड़ियों के शोर से इस कदर तंग है कि इसने काम पर जाने के लिए दरिया में तैर कर जाने को तरजीह दी है। बेन्यामिन डेविड अपने लैपटॉप, कपड़े और जूते एक वाटरप्रूफ बैग में डालते हैं और दरिया में छलांग लगा देते हैं, फिर मजे से तैरते हुए अपनी मुलाजमत के मकाम तक पहुंच जाते हैं। बेन्यामिन डेविड का कहना है कि दरिया में तैर कर जाना ट्रैफिक जैम में फंसने से बेहतर है और इस तरह वो जल्दी अपने काम पर पहुंच जाते हैं और काफी पुरसकून भी महसूस करते हैं। वो अपना सफर शुरू करने से कबल इंटरनेट पर दरिया का बहाव, दर्जा हरारत और पानी की सतह से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि सर्दियों में वो गर्मियों के मुकाबले में दरिया के जरिए सफर कम कर देते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर खसूसी वेट सूट पहनकर स्विमिंग करते हैं।